ओके, तो यहाँ पे ये देख सकते हो भाई स्ट्रक्चर, ये मतलब यहाँ से अंदर जाने वाला है और इधर में काफ़ी सारे लोग जो है घूम रहे हैं। ओके, तो काफ़ी मस्त बात है, तो चलो यहाँ से अंदर चलते हैं। ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बेल बजाना भूल गया भाई, अंदर जाने से पहले घंटी बजा कर जाऊँगा और हाथ जोड़ करके। ओके, काफ़ी मस्त गेम है भाई। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम खेल रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है श्री राम मंदिर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी को जो है राम मंदिर की स्थापना है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई राम मंदिर कैसा है ये देखा जाए। तो मैं गया प्ले स्टोर पर, वहाँ पे मैंने राम मंदिर से रिलेटेड काफ़ी सारे गेम ढूंढे, लेकिन लास्ट में मुझे ये गेम दिखता है भाई, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और चलो आ जाओ देखते हैं भाई कि ये कैसा गेम होने वाला है। तो लेट्स गो, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे पुजारी लोग जो है मंदिर के पुजारी लोग वो यहाँ पे हमें इस मंदिर के बारे में बता रहे हैं भाई। ओके, तो ये टूरिस्ट गाइड है जो कि हमें घुमाएंगे, तो फिलहाल मैं इन सबों के साथ नहीं घूमने वाला, मैं अकेले चलता हूँ और मैं अकेले इस मंदिर को घूमने वाला हूँ भाई। तो जैसा कि देख सकते हो सामने की तरफ में हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो फिलहाल मैं जो सबसे पहले इधर से घूमना स्टार्ट करता हूँ, पीछे की तरफ में जो है काफ़ी सारे पेंटिंग बने हुए हैं और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हो इधर में राम लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी है शायद से, उनका पिक्चर बना हुआ है और काफ़ी बहुत सारे राम जी से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे बातें लिखी गई हैं, जिससे कि काफ़ी मस्त मस्त जिसको पढ़ना होगा भाई वो आकर पढ़ सकता है। बाकी इधर में अशोक वाटिका, ओके, तो यहाँ पे गाय वगैरह हैं जिसको पाला गया है, वो तो रियल में भी शायद ऐसा ही होने वाला है, तो गेम में भी तो ऐसा ही है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है घूमने में भाई इसको, लेट्स गो। इधर में मैंने देख लिया, अब इधर में क्या क्या बना हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक झंडा बना हुआ था और बाकी में कुंड है इधर में, कौन सा कुंड, जल कुंड है भाई। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे जल कुंड बना हुआ है, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई और रियल में भी ऐसा ही बनने वाला है क्या। ओके, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है और इधर में भी कुछ बना हुआ है, चलते हैं आगे की तरफ में और इधर में भी देखते हैं कुछ बना हुआ है। ओके, पाठशाला, ओ तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी देख सकते हो ये जो घुमाने वाले हैं ये अभी तक इधर घूम रहे हैं भाई और ये हम लोगों को बताएं। ओके, तो सामने की तरफ में पाठशाला बना हुआ है जहाँ पे लोग आकर के शिक्षा वगैरह ले सकते हैं। तो लेट्स गो अंदर चल करके देखते हैं भाई कि आखिर यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ से गेट है इसका। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे जो है पुजारी लोग जो है बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं, एक गुरु जी है जो कि कुछ पढ़ा रहे हैं भाई है। तो फिलहाल मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ कुछ देर और देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। जल जीवन इत्यादि। ओके, तो ये जो है बेसिकली भारत के बारे में बता रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है भाई, और इधर में भी कुछ चल रहा है। ओके, तो काफी सारे इधर में पढ़ाई वगैरह हुई है, तो चलो काफी मजा आया। तो अब बारी है चलते हैं सबसे मेन मंदिर में घूमने के लिए जो कि है राम मंदिर बनने वाला है। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से, पीछे वाले गेट से नहीं आगे वाले गेट से एंट्री करेंगे। तो चलो यहाँ से हम जाते हैं सीधा यहाँ से आगे और आगे यहाँ से हम एंट्री लेंगे भाई। काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर बन रहा है ये और काफ़ी मस्त है भाई, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो हम यहाँ से एक बार फुल जूम व्यू देख लेते हैं और फिर उसके बाद अंदर जा कर के देखेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये देख सकते हो भाई स्ट्रक्चर, ये मतलब यहाँ से अंदर जाने वाला है और इधर में काफ़ी सारे लोग जो है घूम रहे हैं। ओके, तो काफ़ी मस्त बात है, तो चलो यहाँ से अंदर चलते हैं। ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बेल बजाना भूल गया भाई, अंदर जाने से पहले घंटी बजा कर जाऊँगा और हाथ जोड़ करके। ओके, काफ़ी मस्त गेम है भाई, घंटी बजाया ये हाथ जोड़ा। ओके, काफ़ी मस्त है, तो चलो यहाँ से हम चलते हैं आगे और ये जो मेन मंदिर जो है आगे की तरफ में। ओके, तो जैसा कि देख सकते हो हम अभी आ चुके हैं और नीचे की तरफ में जो है राम लल्ला हैं जो है यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे राम लल्ला हैं जो कि स्थापित किए गए हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का मूर्ति है। तो लेट्स गो, पहले नीचे हम यहाँ पर पूजा कर लेते हैं और घंटी वगैरह बजा देते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पर हमने पूजा कर लिया है। ओके, तो चलो कुछ देर यहीं पे रहते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे घूमने के लिए। और इधर में देख सकते हो बहुत सारे पुजारी लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और यहाँ पे जो है मेन राम जी का जो मूर्त है यहाँ पर भी है भाई, तो यहाँ पर भी मैं पूजा कर लेता हूँ। ओके, हाँ जोर करके। ओके, काफ़ी मज़ा आ रहा है, गेम काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाया है जिसने भी बनाया है भाई। ओके, तो काफ़ी मस्त है, अभी चलते हैं पूरे मंदिर को घूमने के लिए। तो इधर में तो फिलहाल सिर्फ घूमने के लिए बनाया गया है जो कि अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई, और ये जो गेम है अभी आधा डेवलप हुआ है, अभी पूरा डेवलप होना बाकी है। बाकी एक और फ्लोर है ऊपर की तरफ में और ऊपर में भी कोई नहीं भाई, ऊपर पूरा खाली है, ऊपर जो है घूमने के लिए ऐसे ही बनाया गया होगा।
ओके तो काफी ज्यादा मस्त है। तो चलो हम यहाँ से अब नीचे चलते हैं। हमने पूरा मंदिर घूम लिया है, बाकी एक बार बाहर से मैंने अच्छे से नहीं देखा इस मंदिर को, चलो बाहर से देखते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे जो लोग हैं पूजा करने के लिए आ रहे हैं, तो जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलो हम लोग यहाँ से घंटी बजाते हैं और बाहर निकलते हैं। भाई घंटी आते वक्त जाते वक्त बजाना जरूरी है। ओके तो मैंने बजा लिया और अभी हम आ चुके हैं बाहर की तरफ में। और बाकी बाहर की तरफ में काफ़ी खुला एरिया है और इसके राइट साइड में भी कुछ बना हुआ है। और देख सकते हो बाकी मंदिर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है बाहर से भाई देखने में। ओके तो चलो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और बाकी राइट साइड में भी कुछ बना हुआ है, उधर भी चल करके घूम लेते हैं। और इधर में जो है गौशाला जैसा लग रहा है, चल करके पास से देखते हैं। ओके हाँ भाई गौशाला है। ओके काफ़ी नाइस भाई। तो ये गेम जो है अभी डेवलप में है, ये गेम पूरा नहीं बना है। इसका ग्राफिक्स वगैरह अभी डिसेंट ही है, ज़्यादा कुछ बना नहीं है इसमें कुछ खास है। तो बाकी चलो ये गेम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।